आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार भैया, ये आज पाठ आठ के अंतर्गत सोमनाथ का रुचि का पाठ है। भैया वन, इससे पहले पाठ सात विदेशी लुटेरे के विषय में मोहम्मद बिन कासिम के विषय में बताया कि कैसे उसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको दिया गया कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद ये विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमणों के बाद अपने देश के राजाओं ने देश को सुदृढ़ कर दिया था, मजबूत कर दिया था, और वर्ष तक किसी विदेशी का अपने देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। या 300 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रमण नहीं किया। उसके बाद के कालखंड में इसी कालखंड में भैया, इस 300 वर्ष के कालखंड में दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल तीन सागरों के स्वामी कहलाते थे। तीन सागर में पर उसका लगा आधिपत्य था। दूर दूर तक भारत की कृति फैली हुई थी, या दूर दूर तक भारत का साम्राज्य ही फैला नहीं था, वह नाम था और बड़ी गौरव की बात थी। नाम दिया जाता था और राजा भारतीय राजाओं ने यह कृति को फैलाया। सौ 1000 ईस्वी के आसपास यानी उसके पहले या बाद में 2-4 साल आगे पीछे 10 साल गांधार प्रदेश पहले ही बता दिया गया। गांधार प्रदेश के मुस्लिम राज्य गजनी, यानी गजनी एक मुस्लिम राज्य था भैया वन। या उसके बाद अनंतपाल एक राजा बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल, ये राजा महमूद गजनवी या विदेशी आपको बताएं कि यह 1000 ईस्वी के आसपास मुस्लिम राज्य गजनी ने सिर उठाना प्रारंभ किया। यानी ये गजनी मुस्लिम राज्य यह आक्रमण करने के लिए भैयावान गांधार के राजा अनंतपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया भैया। अनंतपाल देश के अन्य राजाओं से सहायता लेकर बड़ी सेना एकत्र करनी चाहिए, यानी बड़ी सेना को एकत्र करके और उसका सामना करना और उसको विरोध करना, उसको हराना, उसको पराजित करने की योजना बना। लेकिन कोई भी राज्य के राजा सहयोग नहीं किए, सिर्फ एक बुंदेलखंड के विद्याधर चंदे, यानी बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल ने सहायता ही नहीं दिया, हुआ सेना लेकर आ डटा। सेना सहित वह खुद आ गए और विद्याधर चंदेल अत्यंत पराक्रमी सम्राट बहुत और अतः उनको ही संयुक्त सैन्य बल का सेनापति बनाया, यानी सेनापति उन्हीं को बना दिया। यानी अपना और बुंदेलखंड के राजा विद्याधर जो आए, दोनों राज्य की सेना का क्योंकि वो पराक्रमी और वीर, उनको ही संयुक्त जैसे ही सेनापति बनाया गया, अनंतपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हुए। कर्णदेव जो पहले अनंतपाल के सेनापति थे वह नाराज हो गए, वह यानी देश की भावना खत्म, वह स्वार्थ ही निकला एक तरह के भैया कि मेरे जगह पर दूसरा, यानी दो राज्य की सेना है, एक ही को बनाया जाएगा। लेकिन इस बात को वह समझा नहीं और वह राज्य के विद्रोही क्या है, वह विद्रोही देशद्रोही बन गया। देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंतपाल की हार हो गई, यानी युद्ध हुआ उसमें अनंतपाल और बुंदेलखंड के सेना संयुक्त रूप से जो विद्याधर चंदेल के नेतृत्व में युद्ध लड़ा, एक देशद्रोह के पराजित हो गया। पराजित होने के बाद महमूद गजनवी ने गांधार का शासक बनने के बाद भारत के दूसरे भाग पर आक्रमण किया, यानी वो गांधार का शासक बन गया। और जब वह जीत गया उसका मनोबल बढ़ गया और वह दूसरे क्षेत्र पर भी, दूसरे राज्य पर भी आक्रमण करने के लिए वह सोचने लगा। भैया
या देश के अतुलनीय धन संपदा को लूटने था, तलवार के बल पर लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आक्रमण कर रहे हैं। भैयावान ये भी विदेश का कर्मचारी आए, वह क्या किए कि वह धन संपदा को लूटने का काम किए, तलवार के बल पर वह लोग भय दिखाकर मारकर कत्ल करके वह संपत्ति लूटते थे और उसके साथ साथ उनका धर्म परिवर्तन करते थे। धर्म परिवर्तन यानी एक हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम किए जबरन, न चाहते हुए भी, या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए या धर्म परिवर्तन कीजिए। जो नहीं करते थे उसको मार डालते थे और जो कर दिए वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। इस तरह भैयावान या आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने से पूर्व कन्नौज और मथुरा दो प्रसिद्ध जगह है, आज भी है भैयावान मथुरा और कन्नौज प्रसिद्ध जगह। मथुरा में भारी युद्ध हुआ, मथुरा में भारी युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ, उसमें वह जीत गया महमूद गजनवी। और जीतने के बाद कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला। भैयावान उस समय कृष्ण जन्म स्थान मथुरा आज भी प्रसिद्ध है, और वह पहले वहाँ जो मंदिर बना था वह मंदिर को तोड़ डाला और प्रचुर धन लेकर वापस चला। वह मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़कर वह उसका ढांचा बदल दिया, और काफ़ी आपको पहले ही बता रहे हैं वह लुटेरा था, वह धन संपदा और लूट कर और वापस चला गया। वापस ही नहीं चला गया भैया, वह अगले दिन आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। ये लुटेरा वापस नहीं गए, यह आगे के बाद एक आने वाले समय में वह मंदिरों को नाश किया, लूटा यहाँ के लोगों को, लूटा धन परिवर्तन। अगले दिन आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर को किस तरह वह लूटा, कैसे उसको भी ध्वंस कर दिया, इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए भी कर आठ आठ का रथ एक का प्रश्नोत्तर। भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।